आइए जानते हैं वाइवा में एग्जामिनर द्वारा कौन कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक परीक्षा देने से पूर्व पहले कुछ तैयारियां। प्रयोगात्मक फाइल लेकर जाएं, जिनका टूर गया हो वो अपनी टूर फाइल लेकर जाएं और जिन बच्चों का काम अभी तक इनकम्प्लीट हो वो भी अपनी फाइल अवश्य लेकर जाएंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा में स्केल, रबर, पेंसिल, चांदा इत्यादि जितनी भी सामग्री आपने उपयोग की हो उसको अवश्य लेकर जाना चाहिए। वाइवा के समय परीक्षक के सामने घबराना नहीं चाहिए और उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पूरा सुने और मनन करने के बाद ही उत्तर दें। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उसको नम्रता पूर्वक मना कर दें। सबसे पहले आपसे मापक की परिभाषा पूछी जा सकती है। मापक की परिभाषा है धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और कागज पर उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। कई बार बच्चे अनुपात लगाना भूल जाते हैं, अनुपात बोलना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उत्तर सही नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं। धरातल है और ये कागज है, तो धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और कागज पर उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। आरएफ क्या है? आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शक भिन्न। अंश क्या होता है और हर क्या होता है? हम जब आरएफ लिखते हैं, जैसे आरएफ 1:50,000, तो इसमें इसको अंश बोला जाता है और इसको हर बोला जाता है, यानी कि अंश वटा हर। इस आरएफ में ये पूछा जा सकता है कि इसमें कागज की दूरी कौन सी है और धरातल की दूरी कौन सी है। तो जो एक है वो कागज की दूरी होती है और इसमें जो 50,000 लिखा है ये धरातल की दूरी होती है। मापनी कितने प्रकार की होती है? मापनी 3 प्रकार की होती है, कथनात्मक, भिन्नात्मक और रेखात्मक। तो कथनात्मक वो होता है जो कथन द्वारा कहा जाए, जैसे 1 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर हम बोलते हैं। दूसरा भिन्नात्मक, जो हम लोग आरएफ लिखते हैं, आरएफ 1:50,000 या 1:20,000, ये भिन्नात्मक हो गया। और रेखात्मक, रेखात्मक वो होता है जो हम रेखा बनाते हैं, जैसे स्केल हम लोग बनाते हैं, स्केल विकर्ण मापनी हो गई या साधारण मापक हो गया, तो ये जो मापक बनाया जाता है रेखा चित्र द्वारा, तो इसको रेखात्मक कहा जाता है। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर इत्यादि इत्यादि होते हैं। तो सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो आप याद कर लीजिए। और इसके लिए हमारा एक वीडियो किलोमीटर तथा मील का मापक, उसको अवश्य देखें। विकर्ण मापनी को विकर्ण मापनी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम विकर्ण मापनी में इस तरह कर्ण खींचते हैं अथवा विकर्ण खींचते हैं, जिसकी वजह से विकर्ण मापनी कहा जाता है। तुलनात्मक मापनी में विशेषता क्या होती है? तुलनात्मक मापनी में दोनों मापक के जीरो एक सीध में होते हैं, इसकी यही विशेषता है। प्रक्षेप के सवाल में हम किसी भी आरएफ को 63,50,00,000 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है वो लगभग 63,50,00,000 है, इसलिए भी प्रक्षेप में 63,50,00,000 से किसी भी आरएफ को डिवाइड करते हैं। इंच पर करने के लिए हमें 25 करोड़ से भाग देना चाहिए, हमारा आंसर इंच में आ जाएगा, अन्यथा सेंटीमीटर में आंसर निकालने के लिए 63,50,00,000 में भाग देना होता।
बेलनाकार प्रक्षेप कैसे बनता है? कागज के खोखले बेलन को जब भूमध्य रेखा स्पर्श करती है तो इस कागज को जब हम फैला देंगे तो प्राप्त अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्रम बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता है। जिस प्रकार ये कागज का एक खोखला बेलन है, हमने इस तरह से बना लिया और इसमें ग्लोब को इस प्रकार रखें कि भूमध्य रेखा कागज को स्पर्श करे। इस तरह से ये ग्लोब इसके अंदर रख देंगे और जब इसको खोलेंगे तो प्राप्त अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो क्रम हमें मिलेगा वो बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता है। शंकु प्रक्षेप कैसे बनता है? कागज का शंकु बनाकर ग्लोब पर इस प्रकार रखेंगे कि शंकु का सिरा ग्लोब के ध्रुव की सीध में और ग्लोब का आधार एक किसी अक्षांश पर स्पर्श करे तो इसको काट कर फैलाने के बाद जो हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्रम मिलेगा वो शंकु प्रक्षेप कहलाता है। ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श करने वाली समतल सतह पर बनाए गए अक्षांश देशांतर रेखाओं का क्रम खमध्य प्रक्षेप कहलाता है। एक समतल पेपर लेंगे इस तरह से और ग्लोब के ऊपर उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहीं पर भी रख देंगे, बिल्कुल इस प्रकार उसके ऊपर जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का क्रम बनेगा वो खमध्य प्रक्षेप। इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन इत्यादि के सूत्र आपको याद रखने चाहिए। प्रक्षेप क्या होता है? पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समतल पत्रक पर दर्शाने की विधि को प्रक्षेप कहते हैं। रेखा जाल किसे कहते हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के समतल कागज पर प्रक्षेपित करने से जो रेखाओं का जाल बनता है उसे रेखा जाल कहते हैं। समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप किस प्रयोग आता है? समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप गन्ना, रबर, चावल इत्यादि के वितरण के लिए दिखाया जाता है। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई कल्पित रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो यह देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1767 में की गई, यानी कि 1767। समुद्र तल की ऊंचाई कितनी होती है? समुद्र तल की ऊंचाई सदैव जीरो होती है और सारी ऊंचाइयां समुद्र तल से ली जाती है। प्रिज्मेटिक कंपास को प्रिज्मेटिक क्यों कहते हैं? तो उस कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है जिसकी वजह से उसका नाम प्रिज्मेटिक कंपास दिया गया। एलीडेड और एलीलेड में क्या फर्क है? तो एलीडेड जो है जिसके आगे डेड लगा है, तो ये हमारा यंत्र होता है जिससे हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। और एडीलेड ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है जिसका नाम एडी लेड है। एली डेड से क्या खींचते हैं? तो एली डेड से किरण खींची जाती है, ना कि रेखा। रेंजिंग रॉड लाल और सफेद रंगों में क्यों होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग दूर से दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल रंग और सफेद रंग से बनाया गया है। जो यंत्र आपने प्रयोग किया है उस यंत्र के साथ में और कौन कौन से यंत्र थे उसके नाम आपको याद रखने चाहिए, जैसे स्प्रिट लेवल, ट्रफ कंपास, चिमटा साहुल इत्यादि। जो यंत्र आपको प्रैक्टिकल में करने के लिए दिया गया है उसमें उस यंत्र के बटनों के नाम, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड किया और कैसे किया, जैसे इंटरसेक्शन मेथड है या रेडिएशन मेथड है, और भी कई मेथड हैं, तो उनको बताना हो। डंपी लेवल से क्या किया जाता है? डंपी लेवल से धरातलीय उच्चावच का अध्ययन करते हैं। क्लाइनोमीटर से क्या करते हैं? क्लाइनोमीटर से स्थानिक ऊंचाइयों का मान निकाला जाता है। सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है?
पृथ्वी के किसी भूभाग का मानचित्र अथवा प्लान बनाना सर्वेक्षण कहलाता है। इसके अलावा अगर आप टूर गए हैं तो टूर फाइल से आपसे कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जो प्रश्न बताए गए हैं उनको वाइबा में जाने से पूर्व अवश्य तैयार कर लें। ये संभावित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।